और अगर वो मैम नहीं होते तो शायद मैं अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाता। उन भाई इसमें हम देखें तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब आमतौर से तो कोई भी अपना म्यूजिक करियर में से शुरुआत नहीं कर सकता है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगा माइनेट टीवी के फाउंडर महेंद्र कुमार कपूर जी को, जिन्होंने तो आप जैसे गाने गाते भी है, गीतों में आप अपना वो संगीत देते भी है जी, तो आपके किस तरह की आपके गानों में रुचि है और आपका आइडल कौन है, आप अपना आइडल किसको मानते हैं? नमस्कार दर्शकों, मैं माइने टीवी की ओर से आप सभी के बीच में टीकेएम। तो आज माइने टीवी पहुंचा है करसोग क्षेत्र में। करसोग क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत जो करसोग क्षेत्र के लालक से संबंध रखती है, करसोग क्षेत्र की एक ऐसी उभरती हुई आवाज जो लोगों के दिलों में एक अपनी अनोखी पहचान और एक अच्छी छाप छोड़ के जा रहा है। तो आइए बात करते हैं सीधी हिमालयन प्रोडक्शन स्टूडियो के फाउंडर वीरेंद्र कपूर जी के साथ। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद करना चाहूँगा माइनेट टीवी का और टीकेएम भाई का, स्पेशली आज जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो वीरेंद्र जी, आप अपने बारे में हमें बताएं और कैसे आपकी संगीत में दिलचस्पी बढ़ी और आपने संगीत में अपनी कैसे शुरुआत की? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं करसोग क्षेत्र का रहने वाला हूँ। करसोग क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है लालग, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा संगीत का करियर बचपन से, इसे मैं शुरुआत इसकी बचपन से ही हुई है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पहले जो है पाठशालाओं में बाल सभाएं चलती थी और बाल सभाओं में हर एक बंदा पार्टिसिपेट करता था, और मैंने भी बाल सभाओं में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ से एक हमारे टीचर हुआ करते थे, आज मैं उनका नाम लेना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में, गीता कपूर है उनका नाम, और अगर वो मैम नहीं होते तो शायद मैं अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाता। उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना, मैंने एक गीत गाया था उस टाइम पर कक्षा में, उन्होंने मुझे बाल सभा के लिए सिलेक्ट किया था और उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रोच भी किया उसके बाद कि आप अच्छा गाते हो, आप गा रहे हो। उसके बाद एक मोटिवेशन मिली दिल को कि नहीं, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं कंटिन्यू गाता रहा, लगभग तीसरी कक्षा के बाद मैंने अपना संगीत का करियर शुरू कर दिया था। तब से मैंने फिर मेलों के स्टेज देखे, हमारे यहाँ पे लोकल मेले होते थे और मुझे वहाँ पे स्टेज मिला और वहाँ से मैंने फिर शुरुआत की अपनी जो इस म्यूज़िक लाइन है जो आपकी। तो आपको इसमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इसमें तो भाई, इसमें हम देखें तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब आमतौर से तो कोई भी अपना म्यूज़िक करियर में से शुरुआत नहीं कर सकता है, हर बंदे को झिझक होती है। ऐसा नहीं है कि वो एक म्यूज़िक करियर ही हो, अगर आप कोई भी फील्ड में कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। मेरे साथ भी बहुत सारी मुसीबतें आई, जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा कि हम मेलों में तो परफॉर्मेंस कर रहे थे, पर उसके बाद एक दिक्कत और आती है, अगर आपने म्यूज़िक लाइन पकड़ी है तो आपको अपना एक बताना पड़ेगा किसी ना किसी वे में कि आप क्या काम कर रहे हो। कि अगर तो आपका कोई गाना यूट्यूब में है तो लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे। तो शायद 2018 या 19 के बीच में मैंने अपना पहला गाना जब रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे एक तो करसोग जैसे क्षेत्र में स्टूडियो की कमी होती थी उस टाइम पे। विकी कौंडल जी हैं हमारे बड़े भाई, उनके स्टूडियो को मैं गया, वहाँ मैंने सबसे पहला अपना गाना रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद से फिर जैसे मैंने उनको देखा कि नहीं, अगर विकी भाई जी हैं हमारे बड़े भाई, विकी कौंडल जी, लाड़ी सुरमा जिन्होंने गाया गाना, अगर वो म्यूज़िक स्टूडियो खोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खोल सकते। उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ और फिर मैंने धीरे धीरे शुरुआत की। और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगा माइनेट टीवी के फाउंडर महेंद्र कुमार कपूर जी को, जिन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है इस म्यूज़िक करियर में। शायद अगर वो ना होते तो मेरे पास ना स्टूडियो होता, ना मैं स्टूडियो का काम कर पाता, ना मैं म्यूज़िक लाइन में अपना म्यूज़िक करियर शुरू कर पाता। उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। जैसे कि काफ़ी सारे दर्शकों को पता है कि आपके बहुत सारे गाने यूट्यूब पर आज रिलीज़ हो चुके हैं जी, तो आप हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा गाना गुनगुनाएं। जी, कोशिश करते हैं जी। तो मैं आपको एक पहाड़ी गाना सुनाऊंगा जो हमने 2023 की न्यू ईयर को हमने रिलीज किया था, वो मैं सुनाना चाहूंगा आपको। सुन प्यारी ऐश्वरी गला दिलेरी तू मने हो, हाय प्यारी ऐश्वरी गला दिलेरी तू मने हो, चांदा सही तेरा हसना प्यारा बने जा तू बे मेरे प्यारो रा सहारा, चांदा सही तेरा हसना प्यारा
बने जा तू बे मेरे प्यारो रा सहारा, तेरे प्यारो दे बैशोरिये, नींद रातो रे बैखुए हो, तेरे प्यारो दे बैशोरिये, नींद रातो रे बैखुए हो। वाह, बहुत ही कमाल की आवाज है आपकी। तो आप जैसे गाने गाते भी है, गीतों में आप अपना वो संगीत देते भी है जी, तो आपके किस तरह की आपके गानों में रुचि है और आपका आइडल कौन है? आप अपना आइडल किसको मानते हैं? आइडल तो देखो, अगर आप म्यूजिक लाइन में जुड़े हो तो आप किसी पर्टिकुलर बंदे को आइडल नहीं मानोगे। कुछ बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने भी ऐसे देखे जो किसी पर्टिकुलर हस्ती का नाम ले लेते हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं या वो हमारे आइडल हैं, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है कि मेरे बहुत सारे आइडल है। जो भी म्यूज़िक में काम कर रहा, जो भी लेजेंड है जिन्होंने अब इस म्यूज़िक संगीत के लिए अपनी जान तक दी है, वो सारे ही मेरे लिए मेरे आइडल हैं। मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूँ। और आपने मुझसे सवाल किया है कि आपकी किस तरह की गानों में संगीत में रुचि है, तो मैंने हर तरह का संगीत बनाया है। जैसे कि आप हमारे यहाँ हिमाचल में पहाड़ी गाने चलते हैं, तो मैंने पहाड़ी गीतों में भी संगीत दिया है और ख़ुद भी मैंने पहाड़ी गीत बहुत सारे गाए हैं। और उसके अलावा बहुत से हमारे यहाँ से रैप आर्टिस्ट भी हैं जो मेरे पास आते रहते हैं, तो मैंने रैप की म्यूज़िक प्रोडक्शन भी की है। भजन वाले भी कुछ डिवोशनल लोग आते हैं जो भजन गाते हैं, उनका भी काम किया है। लगभग मैंने हर तरीके का काम सीखा है, शुरू कर रहा हूँ मैं अभी। मेरा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसमें काम हो रहा है। तो आपने यूट्यूब का करियर कब से स्टार्ट किया, कब से आपने रेगुलर बेस पे यूट्यूब पे काम करना शुरू किया? रेगुलर बेस पे कहूँगा, वैसे तो मैं यूट्यूब को बहुत पहले से, जब आप जानते हैं ना कि यूट्यूब जैसी कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें काम कर सकते हैं, वो तो आपको पता है, हम पहले से देखते हैं किसी क्रिएटर को। तो वैसे ही मैंने अभी देखा कि यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने कुछ कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, व्लॉग भी हो सकता है, कोई भी ट्यूटोरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पहले देखा और यूट्यूब को समझा, और रेगुलर बेस पे मैंने शायद 2019 से 2018 या 19 से मैंने काम करना शुरू किया। वैसे मैं उससे पहले से काम करता था, पर इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं करता था। 2017 से मैं पहले करता था, पर फिर मेरे को लगा नहीं कि अगर इसको एज अ पैशन ही काम मैंने करना है तो इसको क्यों ना प्रोफेशनली किया जाए, और प्रोफेशनली अच्छे तरीके से अपने गानों को यहीं रिकॉर्ड किया जाए और लोगों के बीच प्रेजेंट किया जाए, ताकि हमारे गीतों में कोई कमी ना रहे, ये मेरा मानना है। तो 2019 से मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी। बहुत सारे लोग TKM भाई ये नहीं जानते हैं कि हिमालयन प्रोडक्शन चैनल आखिर है किसका चैनल। तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा, ये मेरा अपना ही चैनल है जो मैंने 2019 में बनाया था। मेरे दो चैनल हैं, एक मेरा पर्सनल चैनल भी है वीरेंद्र कपूर से, उसमें भी मैंने बहुत सारे गाने अपने डाले हुए हैं। परंतु आजकल हम एक रिकॉर्ड लेबल, इसको हमने रिकॉर्ड लेबल बनाने की कोशिश की है, यहाँ का एक रिकॉर्ड लेबल। करसोग क्षेत्र से अभी तक कोई रिकॉर्ड लेबल नहीं है, पर हमने ट्राई किया कि करसोग का एक अपना रिकॉर्ड लेबल हो जो अच्छे स्तर पे गीतों को रिलीज़ कर सके। तो वो मेरा एक सपना है और वो कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा हो, हमारा चैनल एक अच्छा रिकॉर्ड लेबल बने, और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। तो अब इस पर काम हो रहा है हिमालयन प्रोडक्शन। हाल ही में जैसे आपने अपने फैंस के बीच एक पोस्ट शेयर करी थी कि आपकी पहली यूट्यूब सैलरी आ गई है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जी अभी कुछ दिनों ही पहले मेरी YouTube की फ़र्स्ट इनकम आई है। हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि YouTube पे अगर हम किसी क्रिएटर को फॉलो करते हैं तो अपने जो क्रिएटर बंदा होगा वो ही इस बात को समझ सकेगा, जो क्रिएटर होगा, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, जो YouTube का क्रिएटर होगा वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएगा कि YouTube से पैसा भी कमाया जा सकता है, YouTube से हम पैसा भी कमा सकते हैं। और वही मेरा एक सपना भी से आप कह सकते हैं कि मेरा एक ड्रीम था कि YouTube से भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो परसों सुबह मैंने एक अपने फ़ोन में एक मेल देखा जिसमें कि मैंने ये देखा कि मेरी पहली इनकम जो है सक्सेसफुली आ चुकी है, और मेरा दिल उस दिन बहुत खुश हुआ। मैं अब अपने 7 साल के बारे में, 7 साल की जो मेरी जर्नी रही है यूट्यूब की, उसके बारे में मैं सोचने लगा कि मैंने किस किस कैसी कैसी चीज़ें फेस की हैं, कैसे कैसे लोगों के ताने सुने हैं इन चीज़ों के पीछे, और क्या क्या लोगों ने बोला है। तो
जब मैंने अपनी इनकम देखी तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि नहीं, हम भी कुछ ना कुछ इससे अर्न कर सकते हैं यूट्यूब जैसी कंपनी से। तो काफ़ी सारे कलाकारों को, जैसे आपको पता है कि काफ़ी सारे कलाकारों के फैंस चाहने वाले भी होते हैं, काफ़ी हेटर्स भी होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? देखो जी, कोई क्रिएटर होगा तो उसके सोशल हमारे समाज में दो प्रकार के लोग होते ही होते हैं। एक होते हैं जो आपको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और एक वो होते हैं जो आपको ना कहीं स्टैंड होता देखना चाहते हैं, ना आपका सपोर्ट करते हैं। उन लोगों का काम एक ही होता है, सिर्फ आपकी वीडियो देखो। है आपके व्यूअर, हमारे लिए आप व्यूअर ही हो, आप हेट कर रहे हो चाहे लव कर रहे हो, हमारे लिए आप एक दर्शक हो, दर्शक मात्र। ठीक है, आप हेट कर रहे हो, आपके पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अगर हम कोई चीज़ करते हैं ना, तो हर एक बंदे को ये, अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो आप, आपको क्या बोलते हैं, ये चीज़ फेस करनी आनी चाहिए कि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है ना, सही बात, तो उसको सही वे में लो। अपने काम के थ्रू बताओ कि भाई हम क्या कर सकते हैं। गाली देने वाले तो हजार मिल जाएंगे, पर हमारे को मारा पता है भाई हम क्या काम कर रहे हैं। और गाली देने वालों का भी शुक्रिया जो ऐसे गाली देते हैं, उनके पास और काम तो होता नहीं। बाकी जितने हमारे फैंस हैं उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। वैसे एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, आप आजकल किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को, जैसे आपके दर्शक हैं तो आने वाले समय में उनको क्या क्या देखने को मिल सकता है हिमालयन प्रोडक्शन स्टूडियो से? आने वाले समय में हिमालयन प्रोडक्शन स्टूडियो जो रिकॉर्ड लेवल है अपना, उससे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर किसी कल्चर पे ही चीज़ें आएंगी, जैसा कि पहाड़ी गीत जो हैं वो भी आते रहेंगे। पहाड़ी गीत भी बहुत सारे आने वाले हैं, मेरे खुद के भी आने वाले हैं, और कुछ और आर्टिस्ट भी हैं उनके भी आने वाले हैं, और फ्यूजन भी आने वाले हैं बहुत सारे, मैशअप भी आने वाले हैं, और एक नए टाइप का जॉनरा की हमने ट्राई किया, एक नया जॉनर जो हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे अपने रिकॉर्ड लेबल पे, वो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। बहुत से गीत ऐसे हैं जो आपके बीच आने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, तभी आप ये गीत जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर गुनगुनाएं, क्योंकि आपकी जो ये प्यारी सी आवाज़ है, हमारे दर्शक भी सोच रहे हैं कि क्यों ना एक और गाना हो जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी पास था के सौ जन्म मैं देखता तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का इतनी प्यारी सी आपकी आवाज़ है। तो आपसे मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि एक पहाड़ी लोकगीत आप ज़रूर गाएं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी ये मखवली सी आवाज़ को सुनने के लिए। जी कोशिश करते हैं। मैं अपना एक गाना सुनाऊंगा, ये फोक है हिमाचल का, जो मैंने अपने वीरेंद्र कपूर वाले चैनल पर गाया है, ट्रेडिशनल फ्यूजन की एल्बम थी ये। अरे उषे था जे बांगी ये बांगे बाला दे मुंडा लो बाला दे मुंडा बांगी ये बांगे बाला दे मुंडा लो। थैंक यू सो मच। जैसे आप इतने सारे गाने गाते हैं, तो आपको आपके पेरेंट्स से क्या सहयोग मिलता है और क्षेत्रवासियों से क्या सहयोग मिलता है? जैसे कहीं आप स्टेज पर कहीं परफॉर्म कर रहे हो, तो ऑडियंस से आपको कैसा सहयोग मिलता है, तो आपका वहाँ पे कैसा फील रहता है? सबसे पहले तो मैं इसका पूरा श्रेय जो है अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सारा सहयोग किया है, और आज तक मुझे
सहयोग करते आ रहे हैं। अगर उनका सहयोग ना होता तो शायद मैं म्यूज़िक लाइन में होता ही नहीं, मैं कुछ और कर रहा होता, मेरी लाइफ में कुछ और ही चल रहा होता, या कोई जॉब कर रहा होता या कुछ और। मैं तो कॉलेज की भी नहीं सोच रहा था कि मैं कॉलेज करूँगा, पर मेरे माता पिता ने मेरे को बचपन से ही इतना सहयोग किया है कि मैं इस लाइन में कुछ ना कुछ कर सकूं और अपना एक नाम बना सकूं, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं हम, नाम तो हम क्या ही बना सकते हैं। और तो हमारे दर्शक ये बात भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने संगीत की शिक्षा ली है या ले रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में, आप क्या कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि आपने आप क्षेत्रवाद से, हाँ क्षेत्र से आपको किस तरह का सहयोग मिलता है, पर यह एक मुद्दे की बात है भाई। अगर आप किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, आपको वहाँ से सपोर्ट आना सबसे बड़ी बात है। अगर आपको वहीं से सपोर्ट नहीं आता ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो पैशन है ना, वो आपसे छूटता चला जाता है, दिखता है। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग 50% लोग यहाँ से सपोर्ट भी करते हैं, 50% नहीं भी चाहते हैं, नहीं भी करते हैं सपोर्ट, पर जितना भी अच्छा है और आने वाले टाइम में शायद करें सपोर्ट, ऐसे कुछ काम करेंगे, ऐसे गीत लेकर आएंगे ताकि भाई आप सभी के बीच में हमारा संगीत पहुंच पाए और लोगों का अच्छा सहयोग मिल पाए। एक प्रश्न मैंने आपसे और किया था कि आपने संगीत की शिक्षा ली है या आप ले रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप एजुकेशन किस लेवल की ले रहे हो। मैं कृषोक महाविद्यालय में फाइनल ईयर कर रहा हूँ, म्यूज़िक से मेरी फाइनल ईयर हो रही है, अभी 3 साल मुझे हो चुकी हैं। म्यूज़िक मेरा माइनर सब्जेक्ट है, क्लासिकल वोकल की जो शिक्षा मैं वहाँ से प्राप्त कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैंने संगीत की कोई शिक्षा उससे पहले प्राप्त नहीं की है। जैसे कि मैं स्टूडियो बेस पे आपको बताना चाहूँगा कि इसकी नॉलेज मैंने कहीं से भी नहीं ली है, मैंने सिर्फ यूट्यूब के कुछ ट्यूटोरियल देखे जिन्होंने मेरे को बहुत सारा मोटिवेट किया इस काम को करने के लिए। मुझे संगीत की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है मेरे पास संगीत के, इसकी मेरे पास कोई डिग्री नहीं है म्यूज़िक की, म्यूज़िक प्रोडक्शन की, पर ये माता सरस्वती की देन है कि इनकी वजह से जो है ये गिफ्ट ही समझूंगा मैं, एक भगवान की गिफ्ट है कि मैं म्यूज़िक में इस तरह का काम कर रहा हूँ, शायद माता का यही रहा होगा। तो जैसे आप काफ़ी सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी देते हो जी, ऑडियंस के साथ आप कैसे डील करते हो, कैसा फील आपका रहता है और किस तरह का सहयोग आपको उस टाइम मिलता है, और इसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर बताएं। हर एक स्टेज का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत सी जगह, जितनी जगह भी मैंने अपने कार्यक्रम किए हैं यहाँ, उन जगह का नाम भी हमें बता दें जी, शायद आपकी गिनती में तो नहीं होंगे पर जितना कर आप बता सकते हो, तो उन जगह का नाम भी एक बार जरूर बताएं जहाँ का आपने आज तक परफॉर्म कर लिया है। जो हमारे कृषोक के, एक तो सबसे प्रसिद्ध हमारा कृषोक का जिला स्तरीय नलवाड़ मेला है, और पिछली साल ही मैंने यहाँ कार्यक्रम किया था, और इसके अलावा जो है यहाँ के और भी बहुत स्थानीय मेले हैं, जैसे कि हमारे लालक का बरशेल मेला हो गया, पंडहर हो गया, कुफरीदार हो गया, शिलगर हो गया, कंडी चलानी हो गया, पांगणा का काटल हो गया, और भी बहुत सारे मेलों में मैंने अपने कार्यक्रम पिछले वर्ष दिए हैं। तो मुझे हर जगह से अच्छा सहयोग मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, एक लोगों के बीच में अपने गानों को लाना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, दर्शकों का भी काफ़ी सहयोग रहता है, और अच्छा लगता है कि नहीं यहाँ की जनता भी हमें प्यार करती है जी परफॉर्मेंस देने के बाद। तो मायने टीवी का तो यही सबसे पहले रहेगा कि हिमालयन प्रोडक्शन स्टूडियो बहुत आगे जाए, बहुत नाम कमाए, और जैसे मेरी और आपकी तरह जो यूथ है जो म्यूज़िक लाइन में आना चाहते हैं, इस लाइन में एंटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है। जो इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, जो संगीत के क्षेत्र में जुड़ने वाले नए युवा हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप अच्छी तरह से संगीत की शिक्षा लीजिए। संगीत में बहुत सारे स्कोप हैं, आप इसमें टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं या सिंगिंग बेस पे आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, पहले तो सिर्फ कैसेट वगैरह का ज़माना होता था, लेकिन अब तो हर चीज़ डेवलप हो गई है, आप यूट्यूब में भी अपना गाना डाल सकते हैं, स्पॉटिफाई जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे भी डाल सकते हैं। तो मेन बात यही है कि आप अच्छी तरह से पहले सीखें,
और सीखने के बाद इसमें आप ये ना समझे कि हमारा इसमें करियर नहीं बनने वाला या कुछ होने नहीं वाला, खुद को डीमोटिवेट मत कीजिए और काम करते रहिए, सीखते रहिए। एक बार दर्शकों को हमारे ज़रूर बताएं कि जो ये आपका स्टूडियो है हिमालयन प्रोडक्शन स्टूडियो, इसकी प्रॉपर लोकेशन कहाँ है। अगर हमारे दर्शकों में से कोई ऐसा कलाकार होगा जो आपके साथ काम करने का इच्छुक होगा जी, तो एक बार उन तक हमारी ये बात ज़रूर पहुँचाए कि आपका जो ये स्टूडियो है प्रॉपर कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। ये करसोग से 3 किलोमीटर नीचे मेरे गांव में ही पड़ता है लालग, 3 किलोमीटर नीचे हमारा गांव है लालग। तो लालग में आप कहीं पर भी पूछ सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो कि हिमालयन प्रोडक्शन स्टूडियो या वीरेंद्र कपूर का म्यूज़िक स्टूडियो कहां पर है, तो वो आपको प्रॉपर लोकेशन के पास पहुंचा देंगे। या लालग हमारी 3 किलोमीटर तो नीचे है करसोग से, आप यहां आ सकते हैं और यहां पे अपने सभी प्रकार के गीत भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं म्यूज़िक पाना। जैसे कोई कलाकार आता है और उसके लिए अगर कोई ख़ास ऑफ़र आप हिमालयन प्रोडक्शन स्टूडियो की तरफ से रखना चाहें। हाँ, अगर इस पॉडकास्ट अगर आप में से कोई भी दर्शक हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए आना चाहता है तो उनके लिए मैं एक स्पेशल ऑफर रखने वाला हूँ। जितना हम बजट पॉडकास्ट के थ्रू, हाँ, इस पॉडकास्ट के स्पेशली इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर कोई दर्शक इसके बाद मुझे फ़ोन कॉल करता है, मेरा नंबर स्क्रीन पे शेयर कर देना, वहाँ से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस पॉडकास्ट के थ्रू। जो अगर कोई इच्छुक है अपने अपना संगीत बनाने के लिए, अपना गाना बनाने के लिए हमारे स्टूडियो से, तो उनको 70% का डिस्काउंट यहाँ से अवेलेबल होगा। जी, बहुत अच्छी बात। अगर आप सभी, आप में से कोई भी कलाकार यहाँ हिमालयन प्रोडक्शन स्टूडियो पे अपना गाना रिकॉर्ड करना चाहता है तो ज़रूर अगर आप कमेंट में भी अपना नाम या नंबर बताते हैं, या आप इस तरह के प्रोजेक्ट वीरेंद्र कपूर जी के साथ करना चाहते हो, तो आप ज़रूर एक बार कॉमेंट करें। मैंने बीच में आपको रोका तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से सिर्फ आप अपने ऑडियो प्रोजेक्ट ही नहीं, आप वीडियो प्रोजेक्ट भी यहाँ से करवा सकते हैं। हमारे पास वीडियोस के गियर्स भी अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि आप यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ऑडियो प्रोडक्शन का काम भी कर सकते हैं और वीडियो प्रोडक्शन का काम भी करवा सकते हैं, और साथ में 70% तक की यहाँ से छूट भी आपको मिलेगी। जो इस पॉडकास्ट के थ्रू यहाँ पर आ रहा है तो उसको 70% तक के ये छूट भी दे रहे हैं। तो वीरेंद्र कपूर जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करते हुए, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके आज। और हम दुआ करते हैं कि आप म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम ऐसे ही करते रहे, हिमालयन म्यूज़िक प्रोडक्शन को आप काफ़ी आगे तक ले जाए और अपने करियर में एक अच्छी छाप छोड़े और एक अच्छा काम करे और हमारे दर्शकों को भी अच्छा अच्छा सुनने के लिए मिले। तो आप देख रहे थे मेरे साथ अभी तक MyNet TV, तो मैं हूँ आपके साथ TKM। तो इस पॉडकास्ट को करते हम यहीं पर ख़त्म। धन्यवाद। से पहले आप कर लीजिए MyNet TV को फॉलो और YouTube पे जाके आप कर लीजिए हिमालयन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब। जी, धन्यवाद।